कांग्रेस पार्टी का आज स्वाधीनता दिवस पर जिस प्रकार से बहिष्कार किया वो निंदनीय है। किस प्रकार से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसको पूरा देश धूमधाम से मना रहा है और आप उस काम कार्यक्रम का बहिष्कार करके क्या संदेश देना चाहते हैं? आखिर क्या कारण है कि राष्ट्रहित में या राष्ट्रीय कार्यक्रम जब भी कोई होता है तो कांग्रेस पार्टी कहीं कहीं उसके विपरीत खड़ी दिखाई देती है। जब धारा 370 को हटने का विषय था तब कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। जीएसटी वाला विषय आया तो कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। जब देश में अनेक ऐसे विषय थे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, उस पर भी सेना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने से नहीं चूके। और आज जब जब भी, और ये इतिहास पुराना है, अंग्रेजों की फूट डालो राजनीति, लेकिन अब देश नेशन फर्स्ट को लेकर चलने लगा है। तो मैं कांग्रेस पार्टी का यहां भी जिस प्रकार से आजादी से लेकर अब तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में कभी राजनीति वाली बातें नहीं की, लेकिन आज इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। और दिल्ली में भी जिस प्रकार से बहिष्कार हुआ, मैं सोचता हूं देश आपकी तरफ देख रहा है, आपकी हरकतों की तरफ देख रहा है, आपके बयानों की तरफ देख रहा है। आपने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों को राक्षस बना दिया, लेकिन इस प्रकार का कृत्य आप लोगों का है। मुझे लगता है कि आपको अपने बयानों से, अपने हरकतों से और अपनी राष्ट्र विरोधी जिस प्रकार की गतिविधियां हैं, इससे आप देश आपको सब देख रहा है। और जिस प्रकार से इंडिया के बीच में आपने 5 डॉट लगाए हैं, आपके ऊपर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाने के लिए देश की जनता बैठी है।